एससीएसटी आयोग के चेयरमैन और इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों पर टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट और गुंडागर्दी का आरोप लगा है। आगरा के रहनकला टोल प्लाजा की ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। एससीएसटी आयोग के चेयरमैन और इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के सुरक्षा कर्मियों ने आगरा के नजदीक रहनकाला टोल प्लाजा के कर्मचारियों को बुरी तरह मारा पीटा है। शनिवार तड़के 3 बजे के आसपास हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में कुछ लोग टोल कर्मियों को डंडे से पीट रहे हैं और इस दौरान फायरिंग भी की गई। टोल कर्मी अनुपम सिंह के मुताबिक फायरिंग सांसद रमाशंकर कठेरिया के सुरक्षा कर्मी ने की और मारपीट करने वालों में सांसद कठेरिया भी शामिल थे। सांसद जी पेट में गोली मारने को बोले, बोले पेट में गोली दे, सर में गोली दे। सांसद जी खुद दुख इस बात का, उनकी बीबी मना कर रही थी, बंद मारिए बच्चों को, वो खुद हाथ में डंडा लेकर हमला कर रहे थे। खुद मार रहे थे। दबंगई सर, इनको वोट दिया जाता है, जनता मरती है, कूटती है, दौड़ती है, रात दिन लाठी डंडे जनता खाती है, धूल मिट्टी जनता से चाटती है, जेल जनता जाती है इनके वोटिंग के लिए। इस हमले में 3 टोल कर्मियों को चोट आई है, उनकी पीठ पर लाठी डंडे के निशान दिखाई दे रहे हैं। टोल कर्मियों ने आगरा के एतमादपुर थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। चोटिल टोल कर्मी ने कहा है कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए सांसद रामशंकर कठेरिया जिम्मेदार होंगे। अगर कुछ भी होता है दिक्कत, मुझको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, सब सारी जिम्मेदार वही होंगे। यहाँ तक कि डर है, मैं हो सकता है नौकरी भी छोड़ दूं, मेरे ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है। सांसद माननीय रामाशंकर कठेरिया जी, अगर आपके ऊपर मुझको कोई भी दिक्कत होती है, सबके जिम्मेदार वही होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनकी साइज बड़ी है, कुछ भी करवा सकते हैं वो। हम एक नॉर्मल से इंसान है, 2 पैसे के लिए कमाने हैं, माँ बाप भी मेरे नहीं है, मैं अनाथ हूँ। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का काफिला दिल्ली से इटावा जा रहा था। इसमें 5 छोटी गाड़ियां और 1 बस थी। टोल प्लाजा कर्मियों के मुताबिक सांसद के आने की इत्तला उन्हें पहले से नहीं थी और वो वीआईपी लाइन से निकलने की बजाय सामान्य लाइन से निकल रहे थे। इस दौरान जब उनसे टोल की फीस मांगी तो उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। उनको बोला गया कि जो भी है गाड़ी का आप अमाउंट पे कर दीजिए, तो उन्होंने सीधा उनका स्क्वाड उतरा और उन्हें ये कहा कि बोले हम नहीं दे पाएंगे इतना अमाउंट, तो बोले फिर उन स्क्वाड ने तुरंत मारपीट शुरू कर दी। उनके स्क्वाड थे, एक उसमें पुलिस बंदा भी था और एक स्क्वाड भी था जिनपे सांसद जी थे। जी जी हाँ जी, सांसद आपके साथ ही करेंगे सांसद के। जी जी सांसद जी भी थे और उसमें एक पुलिस वाला कर्मी भी था, वो तो सीधा बोला था कि पूरी लोडेड बंदूक है, 6 के 6 उतार दूंगा तुम्हारी इसमें, और उन्होंने मतलब डंडे से बहुत मारा, बहुत पीटा। हालांकि नेताओं और उनके समर्थकों पर टोल प्लाजा कर्मी के साथ गुंडागर्दी का ये कोई अनोखा मामला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ऐसे मामले आ चुके हैं जब जनता के चुने नुमाइंदे जनता को ही पीटते नजर आए।